आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। खबर है इस वक्त रीवा से, जहां फूड विभाग की टीम ने मिलावट के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। रीवा में खाद्य विभाग की टीम द्वारा आज शहर के रेवांचल बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम द्वारा बाहर से आए भारी मात्रा में खोवा, पनीर व दूध की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान बाहर से लाया गया खोवा, दूध व पनीर छोड़कर व्यापारी मौके से भाग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 क्विंटल खोवा लावारिस हालत में छोड़कर व्यापारी भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल खाद्य विभाग के द्वारा व्यापारियों के सामान को जब्त कर लिया गया है और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मावा की बोरियों में कान्हा डेयरी, अपर्णा डेयरी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसे लाने के लिए और ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि यह मावा पूरी तरह से नकली है, जिसे बाहर से मंगवाकर असली मावे के रेट में बेचा जा रहा था। वहीं पनीर के डिब्बों पर दिव्या इंटरप्राइजेस का पता लिखा हुआ है। हालांकि पनीर के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है, जो शहर के सिरमौर चौराहे में पनीर एवं घी का थोक विक्रेता है। कार्रवाई के दौरान बाहर से आए दूध वालों को भी खाद्य विभाग ने रोककर जांच की, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई है। फूड विभाग की इस एकाएक हुई कार्रवाई के बाद अब पूरे बस स्टैंड में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पकड़े गए माल को कोई भी अपना कहने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर अशरफ अली ने बताया है कि सूचना मिलने पर बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई, जहां खाद्य विभाग की टीम को देखकर लोग माल छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए माल का सैंपल फिलहाल तैयार किया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें कलेक्टर महोदय और CMHO सर के निर्देश अनुसार आज सुबह यहाँ पे बस स्टैंड में हम लोग आए और देखा कि यहाँ पर कई जगह से खोवा पनीर आने की सूचना मिली थी। तो आज हम लोग आए थे तो यहाँ पर करीब 1.5 क्विंटल के आसपास खोवा और 1.5 क्विंटल पनीर और 15 किलो के आसपास, 15 लीटर के आसपास घी की मिलने की पुष्टि हुई है। और इनमें से जो पनीर और घी के मालिक हैं वो सामने आए हैं और बाकी शेष लावारे से कोई अभी तक सामने नहीं आया है। पनीर में फैट कम होने की आशंका है और इसीलिए इसके पनीर और घी के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ में अभी अभी पटेहरा से दूध आया है बसों में रख के, तो उसको भी रुकवा करके देखा जा रहा है और दूध की क्वालिटी चेक कराने के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। ये दिव्या इंटरप्राइजेस के नाम से आया है, लेकिन जो लोग अभी उपस्थित हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है कि ये इन्हीं का माल है। इसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये माल किसका है और जो लावारिस माल है उसको हम लोग जब्त करके नष्ट कराएंगे, अगर कोई मालिक शाम तक आज नहीं आता है तो। सर, इसके जांच रिपोर्ट कब तक आ रही है? ये 14 दिन में आ जाएगी जांच रिपोर्ट। 14 दिन में आ जाएगी। उसके बारे में हाँ, इसके ऊपर कार्रवाई होगी।